दोस्तों नमस्कार, निरोगी काय में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करते हैं, शीघ्र ही बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के, क्यों बाल सफ़ेद असमय हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉस ऑफ हेयर कलर। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के बाल एक समय आने पर सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल समय आने के पूर्व ही सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? हमारे शरीर में एक मेलेनिन नाम का पदार्थ होता है, जब मेलेनिन की कमी हो जाती है तब हमारे बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। मेलेनिन हमारे उदर में बनता है, जो हमारे बाल की रंगत को बरकरार रखता है। वही मेलेनिन की जब कमी हो जाती है तो बाल पूर्ण रूप से सफ़ेद होने लगते हैं। जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं। जब और ज़्यादा कमी हो जाती है पूरी, तो शरीर में जब हमारे उदर में नहीं बनता है, तब सफ़ेद दाग हो जाता है। जब थोड़ी कमी रहती है तब बाल सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं। रंगत बाल की बरकरार रखने के लिए केवल मेलेनिन है एक कारण है। जो मेलेनिन पदार्थ ख़त्म हो जाता तब सफ़ेदी चालू हो जाती है। अब उपाय क्या है? बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको रोकने का उपाय क्या है? उसको रोकने का उपाय यही है दोस्तों कि आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशन युक्त डाइट लीजिए। बाहर के शैम्पू जो इकोनॉमिकल बनाए गए हैं उनको नहीं लगाना है, किसी अच्छी कंपनी का शैम्पू लगाना है, नहीं तो शैम्पू से ही बाल ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं। और अपनी डाइट में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, और कसरत प्रतिदिन आपको आधे घंटे से 40 मिनट करना है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का योगा पसंद करते हो। आप बाहर घूमने जाते हो या शारीरिक एक्सरसाइज करते हो, जो आपको अच्छा लगे। सब्जियों में कद्दू बहुत फ़ायदा करता है। बाल यदि गिर रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं तो अपनी डाइट में आप कद्दू का प्रयोग ज़्यादा करें। प्रतिदिन यदि आप कद्दू लेते हैं तो बाल सफ़ेद होना इमीडिएट रुक जाता है। और फल फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है तो फल भी आप ले सकते हैं। पानी की मात्रा अधिक से अधिक जो है आप इस्तेमाल करें, कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिए। हर आधे घंटे 1 घंटे पर 1 गिलास पानी यदि आप पीते हैं तो आपके बाल सफ़ेद होने की कम हो जाएगा। और अपने शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ा दीजिए। आयरन सबसे ज़्यादा गोली नहीं खाना आपको आयरन की, आयरन पालक में बहुत होता है, इसीलिए बताया गया। हरी पालक आप ले आइए, उसकी सब्ज़ी बनवाइए, या उसको आप जूस बना के उसके नींबू डाल के पी सकते हैं, तो अधिक से अधिक पालक आयरन की मात्रा आपके शरीर में हो जाएगी। विटामिन बी आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, विटामिन B12 की मात्रा अगर आप इस्तेमाल करते हो, बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हो, तब भी बाल आपका रुक जाएगा। और किसी अच्छे शैम्पू से आप धोइए। हम एक रिकमेंड शैम्पू आपको करते हैं, आयुर्वेद का है वो, केश वर्धक शैम्पू। यदि आप केश वर्धक शैम्पू से धोते हैं तो आपका बाल तुरंत रुक जाएगा और गिरेगा भी नहीं, और सफ़ेदी भी समय पर ही आएगी। फूड सप्लीमेंट में भी हम आपको रिकमेंड करते हैं कि विटामिन बी आप फूड सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं। और चुकंदर इसमें बहुत फ़ायदा करता है। यदि आप बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप डेली चुकंदर ले सकते हैं। सलाद का प्रयोग अपने खाने में करें तो आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। लहसुन और प्याज की मात्रा अपनी डाइट में आप बढ़ा दीजिए, अधिक से अधिक आप लहसुन और प्याज को खाइए, इस्तेमाल करिए, उससे भी बाल रुक जाते हैं, उसमें सफ़ेद नहीं होते हैं। दोस्तों ये जो भी चीज़ बताया जा रहा है इसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं और इस हिसाब से आप चलते हैं, इस हमारे एडवाइस के हिसाब से, तो आपके बाल उसमें सफ़ेद नहीं होंगे। और अगर सफ़ेद हो गए हैं तो धीरे धीरे वो अपने रंग में फिर दोबारा परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे निरोगी काय चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आइकन बटन को दबाइए और लाइक करिए। लोगों के बारे में, इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, यही आप लोगों से अपेक्षा है।
तो जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो इस को सुने और बड़ा बड़ा उपयोगी ज्ञान है, इसको इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।